नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जाम गुरु में। दोस्तों आप सभी को पता होगा कि रेलवे NTPC के जो पेपर चल रहे हैं उसमें कंप्यूटर के मिनिमम 3 से मैक्सिमम 5 से 6 क्वेश्चन डेली पूछे जा रहे हैं। तो उसी के लिए आज मैं आपके एक बहुत ही स्पेशल वीडियो लेकर आया हूं। कंप्यूटर साइंस के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा बच्चों के कंप्यूटर के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। 100% आपके मार्क्स 3 से 5 नंबर बिल्कुल बढ़ेंगे और कंप्यूटर का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सभी, ठीक है ना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज़ आप कोशिश कीजिएगा कि हर क्वेश्चन का आंसर आप भी मेरे साथ साथ कमेंट बॉक्स में लिखते रहे, जिससे कि आपको याद होता रहे, ठीक है ना। चलिए तो पहले नंबर वाला क्वेश्चन देखना है स्क्रीन पर। जेम्स ए गोसलिंग द्वारा किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को विकसित किया गया। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कंप्यूटर का जनक पूछा गया था, तो हो सकता है कि अब लैंग्वेज से संबंधित क्वेश्चन भी पूछा जाए कि कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को किस वैज्ञानिक ने बनाया है। तो देखिए जो जेम्स ए गोसलिंग है, उन्होंने आपकी जावा लैंग्वेज को डेवलप किया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सी लैंग्वेज को डेवलप किया है? जावा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते, स्क्रीन पर देखिएगा। 1 GB किसके बराबर होता है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, बताएंगे 1 GB इनमें से किसके बराबर होता है। देखिए लगभग लगभग 1 GB, ये मान लीजिए कि 1024 MB होते हैं, 1024 MB होते हैं, तो यहाँ पर इसके सबसे करीबी है 1000 MB, लगभग लगभग अप्रॉक्स 1000 MB के बराबर होता है 1 GB, गीगाबाइट। अगले प्रश्न की ओर चलते स्क्रीन पर, देखिए वर्तमान डॉक्यूमेंट में बदलाव क्या कहलाता है। जब आप किसी डॉक्यूमेंट को खोलकर उसमें कुछ बदलाव करते हैं, जैसे MS ऑफिस की फाइल या नोटपैड की फाइल को खोलकर उसमें कुछ बदलाव करते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है कंप्यूटर की लैंग्वेज में? तो उसे दोस्तों एडिटिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एडिटिंग। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते दोस्तों, कंप्यूटर में पावर सप्लाई सिस्टम में प्रयुक्त SMPS, आपने सुना होगा कि कभी कभी कहते हैं हम कि यार मेरे कंप्यूटर का SMPS खराब हो गया है, तो क्या होता है ये SMPS? तो दोस्तों SMPS होता है स्विच मोड पावर सप्लाई। क्या बोलते हैं इसको? स्विच मोड पावर सप्लाई। नोट करना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर से सुन लीजिए, स्विच मोड पावर सप्लाई, ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते स्क्रीन पर। सबसे तेज कंप्यूटर इनमें से कौन सा होता है? बताएंगे दोस्तों सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा होता है? तो याद रखिएगा दोस्तों, सुपर कंप्यूटर सबसे तेज कंप्यूटर होते हैं। कौन से कंप्यूटर? सुपर कंप्यूटर, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते स्क्रीन पर, देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सी एक मोबाइल ऑपरेटिंग प्रणाली मतलब सिस्टम है? बताएंगे इनमें से कौन सी मोबाइल ऑपरेटिंग प्रणाली मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम पूछ रहा है इनमें से, तो देखिए कौन सा है? तो देखिए नोट करना दोस्तों, सिम्बियन OS, ये एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे आपके मोबाइल में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है? एंड्रॉइड है, यहाँ पर ऑप्शन नहीं है एंड्रॉइड कौन सा है, यहाँ पर सिम्बियन OS भी एक मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगला प्रश्न देखिए स्क्रीन पर दोस्तों, एक्सेल में सेल की पहचान निम्न में से कौन करता है? बताएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें, मैं आगे भी आपके लिए सभी टॉपिक के वीडियो लाऊंगा, प्लीज इसलिए ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। टारगेट है हमारा 10,000 लाइक का, ठीक है ना, आपको पहुंचाना है 10,000 लाइक पे, क्योंकि मैं सभी टॉपिक के लाऊंगा अगर आपका अच्छा सपोर्ट मिलेगा, ठीक है। चलिए तो बताना इस क्वेश्चन का आंसर, एक्सेल में सेल की पहचान निम्न में से कौन करता है? तो ये एड्रेस के द्वारा की जाती है दोस्तों। किसके द्वारा की जाती है? एड्रेस। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। द्वितीयक संग्रहण उपकरण केवल डेटा संग्रहित कर सकते हैं परंतु वह डैश नहीं कर सकते, बताएंगे दोस्तों क्या नहीं कर सकते हैं? देखिए जो द्वितीयक संग्रहण ऊपर है वो केवल डेटा संग्रहित कर सकते हैं, मतलब जो मैंने बताया था आपको सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं, बस उनमें आप डेटा सेव कर सकते हैं, लेकिन वो अंक गणितीय परिचालन भी नहीं कर सकते हैं, तार्किक परिचालन भी नहीं कर सकते हैं, फेक परिचालन भी नहीं कर सकते, मतलब सभी विकल्प सही है, कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है ना। ये सारे काम किसके होते हैं? ALU, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट्स इनके होते हैं, लेकिन ये कुछ भी नहीं कर सकते हैं वो, ठीक है ना, कुछ से कुछ डिसीजन नहीं ले सकते हैं जो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं। अगला प्रश्न की स्क्रीन पर, IT का पूर्ण रूप क्या है? सबको पता होना चाहिए, वेरी सिंपल क्वेश्चन है, हम पढ़ रहे हैं कंप्यूटर साइंस एंड IT और हमको ये पता होना चाहिए, तो नोट कीजिएगा दोस्तों, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सूचना प्रौद्योगिकी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। बताएंगे दोस्तों इनमें से सबसे तेज मेमोरी कौन सी होती है? बताएंगे सबसे तेज मेमोरी, VIMP क्वेश्चन दोस्तों, बहुत ज्यादा बच्चे कन्फ्यूज होते हैं, सबसे तेज मेमोरी कौन सी होती है? दो बी और सी में कन्फ्यूज हो जाते हैं बच्चे अक्सर, मैं आपको बता दूं इसका सही उत्तर दोस्तों, रजिस्टर मेमोरी। रजिस्टर मेमोरी सबसे तेज मेमोरी होती है, ठीक है ना ये। चलिए अगले प्रश्न, एक और चीज पूछ सकता है कि कितने कितने बिट की होती है? तो इनका साइज होता है 16, 32, 64 बिट तक होती है रजिस्टर मेमोरी आजकल, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, रजिस्टर मेमोरी सबसे तेज मेमोरी होती है। व्यक्तिगत कंप्यूटर हेतु सबसे साधारण स्टोरेज डिवाइस इनमें से कौन सा है? तो देखिए व्यक्तिगत कंप्यूटर हेतु सबसे साधारण स्टोरेज डिवाइस अब आपका चेंज होगा। देखिए पहले शुरू में फ्लॉपी ड्राइव थी, फ्लॉपी डिस्क थी, अब पेन ड्राइव भी आ गया, ठीक है ना। आप इसको कह सकते हैं कि अब पेन ड्राइव सबसे
जनरली हार्ड डिस्क ड्राइव भी होता है लेकिन फ्लॉपी डिस्क पहले के समय में बिल्कुल थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है आपका, ये इस तरह के क्वेश्चन अगर पूछे जाते तो आप जो लेटेस्ट में चल रहा है उसका हिसाब से आंसर कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ईडीपी क्या है बताएंगे दोस्तों, ईडीपी क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या कहते हैं इसको कंप्यूटर की लैंग्वेज में ईडीपी को, तो ई फॉर इलेक्ट्रॉनिक, डी फॉर डेटा, पी फॉर प्रोसेसिंग। इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग मतलब ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग को ईडीपी कहा जाता है, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बताएंगे दोस्तों अगले क्वेश्चन का आंसर। एनआईएस का पूर्ण रूप क्या है बताएंगे बच्चों, एनआईएस का पूर्ण रूप क्या है तो नोट करना, नेशनल इंफॉर्मेशन सेक्टर। एनआईएस का पूर्ण रूप क्या है, नेशनल इंफॉर्मेशन सेक्टर, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, नेशनल इंफॉर्मेशन सेक्टर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बड़े से छोटे क्रम में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, देखिए बड़े से छोटे, सबसे बड़ा शुरू में आएगा, सबसे आखिरी में सबसे छोटा आएगा, तो कौन सा है, तो देखिए मैं आपको बताता हूं, सबसे पहले आता है टेराबाइट, फिर गीगाबाइट, फिर मेगाबाइट, फिर किलोबाइट, मतलब कौन सा ऑप्शन सही जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, ठीक है ना। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए मैं आपको बता दूं कि इसके टेराबाइट के आगे भी एक और रहता है, पीवी होता है, ठीक है ना। देखिए एक पीवी में कितने होते हैं, 1024 टीवी होते हैं, ठीक है ना। एक टीवी में कितने, अब बात की जाए एक टीवी तो ये 1024 जीबी के बराबर होता है ना। बात की जाए एक जीबी किसके बराबर होता है तो 1024 एमबी के बराबर होता है, और एक एमबी 1024 केबी के बराबर होता है, और एक केबी 1024 बाइट के बराबर होता है। इस तरह ये पूरा क्रम चलता है। बताएंगे निम्नलिखित में से कौन रोम, सीपीयू, रैम, विस्तार कार्ड को धारण करता है, बताएंगे दोस्तों कौन करता है ये, तो ये जितने भी आपने सुना होगा, अभी कभी कभी कहते हैं कि यार मेरे कंप्यूटर का मदरबोर्ड खराब हो गया, तो ये सभी चीजें कहां पर रहती है, मदरबोर्ड में होती है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, मदरबोर्ड पे ये सभी चीजें आप देख सकते हैं, कंप्यूटर का कैबिनेट खोल के वहां पर ये सभी चीजें आपको मिल जाएगी। बताएंगे दोस्तों अगले क्वेश्चन का आंसर, कंप्यूटर का मुख्य सिस्टम बोर्ड क्या कहलाता है, अभी मैंने बताया आपको मुख्य सिस्टम बोर्ड उसको ही मदरबोर्ड कहा जाता है, ठीक है ना। सारे कंप्यूटर का जो मुख्य सिस्टम बोर्ड होता है उसको मदरबोर्ड कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, स्क्रीन पर देखिएगा, रिलेटेड फाइलों के कलेक्शन को क्या कहा जाता है, बहुत बार बताया, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना बच्चों। देखिए रिलेटेड फाइलों के कलेक्शन को, जो फाइलें एक दूसरे से रिलेटेड होती है उनका कलेक्शन को क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है दोस्तों डेटाबेस, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, डेटाबेस कहा जाता है। बताएंगे दोस्तों कंप्यूटर में प्रिंटेड डायग्राम बनाने के लिए यूज किया जाने वाला इनपुट डिवाइस इनपेस से कौन सा है, देखिए अगर आपको प्रिंटेड डायग्राम पाने के लिए कौन से डिवाइस का यूज़ करते हैं, इनपुट डिवाइस भी होना चाहिए वो, तो ये है आपका दोस्तों स्कैनर का प्रयोग है। आपने देखा होगा ना स्कैनर लगा होता है कंप्यूटर सिस्टम में, अगर आप वहाँ पर कुछ भी आप कागज रख देंगे या फिर आपकी मार्कशीट रख देंगे तो उसको स्कैन कर देता है वो, पता है ना, आप जब भी करवाते हैं कंप्यूटर के दुकान पर जाते हैं तो उसको स्कैनर कहा जाता है, कि इनपुट डिवाइस होती है। वेबसाइट का एड्रेस निम्नलिखित में से क्या कहलाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिपीट हो रहे हैं ये क्वेश्चन, ठीक है ना। तो देखिए वेबसाइट का जो एड्रेस होता है दोस्तों उसको यूआरएल कहा जाता है, क्वेश्चन बहुत दो तीन बार रिपीट हो गया है क्वेश्चन, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। यूनिक्स की मुख्य भाषा है बताएंगे दोस्तों, यूनिक्स की मुख्य भाषा में से कौन सी दोस्तों, असेंबली लैंग्वेज पर काम करता है, कौन से, असेंबली, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अल्टा विस्टा है एक, बताएंगे एक क्या है, अल्टा विस्टा क्या है, इनमें से सॉफ्टवेयर, सर्च इंजन, प्रोग्राम या फिर ब्राउजर, तो दोस्तों एक सर्च इंजन है, क्या है, सर्च इंजन, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। एक और सर्च इंजन कौन सा है आपने, तो आपने सुना होगा दोस्तों गूगल, ठीक है ना, सभी यूज करते सुना क्या होगा, सभी यूज ही करते हैं डेली लैंग्वेज, डेली मतलब यूज, मतलब एक भी दिन ऐसा नहीं होगा जब आपने गूगल का यूज नहीं किया होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच संबंध बनाए की तकनीक या सुविधा को क्या कहा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच संबंध बनाने की तकनीक को या फिर सुविधा को क्या कहा जाता है, तो इसको इंटरफेस कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, इंटरफेस। अगला प्रश्न देखिए, कंप्यूटर के जनक कौन है, ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा रहा है डेली एग्जाम में, तो नोट करना, ये चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है कंप्यूटर के जनक, कंप्यूटर के पितामह भी बोल सकते हैं आप इनको। अगला प्रश्न बताएंगे, निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है, वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा, ये पूछा गया रिपीटेड क्वेश्चन है, मैं बिल्कुल रिपीटेड क्वेश्चन बता रहा हूँ मैक्सिमम क्वेश्चन, तो दोस्तों ये है आपका फोर्ट्रान, फोर्ट्रान कौन सी है, इसको आप वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा भी बोल सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते दोस्तों, कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है, मतलब इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को कंट्रोल करता है, दोस्तों वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, बहुत ध्यान से देखिए और कोशिश कीजिए आंसर लिखने की कमेंट बॉक्स में आप साथ साथ वीडियो पॉज करके, ठीक है ना। तो देखिए इनको सिस्टम सॉफ्टवेयर्स बोलते हैं जो कि हार्डवेयर को कंट्रोल करते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण, ठीक है ना, सिस्टम सॉफ्टवेयर्स। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, वेब पृष्ठ के मेटर को इंटरनेट सर्विस के माध्यम से उपलब्ध कराने वाले उपकरण को क्या कहा जाता है, क्या कहते हैं उसको, देखिए जितनी भी आप वेबसाइट एक्सेस करते हैं ना आपके मोबाइल पे, वो कहाँ पर रखी होती है, तो ये दोस्तों सर्वर पे रखी होती है, ठीक है ना, सर्वर से ही डेटा उठ के आता है। जितना भी आप मतलब अगर गूगल चला रहे हो तो गूगल कहाँ पर है,
इन द एंड वो सर्वर पे रखा है और सर्वर से ही आपको डेटा भेजता है। तो ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। कहां पर होता है? जितना भी मैटर होता है वेब पृष्ठ का मैटर, उसको इंटरनेट सर्विस के माध्यम से उपलब्ध कराने वाला उपकरण क्या होता है? सर्वर होता है मेन, सर्वर से ही डेटा आउट कराता है। अगला प्रश्न देखिए, 1 गीगाबाइट कितने बाइट के बराबर होता है? अभी हमने रिपीटेड क्वेश्चन दोस्तों 1024 MB, ठीक ना, बार बार हो गया, एक और बार आ गया क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं। अगला प्रश्न देखिएगा स्क्रीन पर, माइकल एंजेलो वायरस है, बताएंगे दोस्तों एक कंप्यूटर वायरस है, ठीक है ना, ये आया था माइकल एंजेलो, पहले एक वायरस आया था तो ये कंप्यूटर वायरस माना जाता है। कंप्यूटर में बहुत वायरस आते रहते हैं डेली, और उसके लिए एंटीवायरस, बहुत सारे एंटीवायरस भी होते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां होती है, आपने नाम सुना होगा क्विक हील, मैकफे, ये बिल्कुल उन वायरसों को तोड़ करने के लिए, इतने खतरनाक होते हैं वायरस, कभी कभी अगर आपके कंप्यूटर में आ जाए तो आपके कंप्यूटर की पूरी फाइल को डिलीट कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, भारत में इंटरनेट की सुविधा कब से प्रारंभ हुई थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, भारत में इंटरनेट की सुविधा मानी जाती है 1995 से। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन से कमांड को कंप्यूटर में 3-finger salute के रूप में जाना जाता है? कौन सी कमांड को जाना जाता है 3-finger salute के नाम से? आपने बहुत बार यूज भी किया होगा, तो ऑल्ट कंट्रोल डिलीट, मतलब कंट्रोल ऑल्ट डिलीट को क्या माना जाता है? 3-finger salute, ठीक है ना। ऐसा कोई दबाओगे तो पूरा कंप्यूटर हैंग हो जाए, तो अगर आप दबाओगे तो आपका टास्क बार खुल जाता है, रिस्टार्ट भी कर सकते हैं आप कंप्यूटर, फाइनली यही सॉल्यूशन बचता है जब कुछ नहीं हो पाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्क्रीन पर, सीपीयू और आईओ के बीच सिग्नल के संचालन को कौन नियंत्रित करता है? तो दोस्तों ये नियंत्रित करता है आपका कंट्रोल यूनिट, सीयू, सीपीयू और आईओ के बीच सिग्नल के संचालन को कंट्रोल यूनिट कंट्रोल करता है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। बताएंगे दोस्तों, पीरोम का प्रोग्राम किए जाने के बाद हम सूचना को केवल क्या कर सकते हैं? अगर पीरोम को प्रोग्राम किए जाने के बाद हम सूचना को केवल पढ़ सकते हैं, ठीक है ना, उसको एडिट नहीं कर सकते। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर, पढ़ सकते हैं, ठीक है ना, लिख नहीं सकते हैं। अगला प्रश्न देखना दोस्तों, WWW प्रोटोकॉल का उपयोग करता है, बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों VIMP क्वेश्चन, दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। WWW क्या होता है? पहली बात तो वर्ल्ड वाइड वेब होता है, ये कौन से प्रोटोकॉल का उपयोग करते हैं? HTTP का करता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। HTTP क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है ना, आना चाहिए आपको फुल फॉर्म। FTP क्या होता है? तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, HTTP। बताएंगे दोस्तों, MS Word में थिसारस टूल का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? बताएंगे दोस्तों किस लिए किया जाता है इस टूल का इस्तेमाल? तो ये एक समानार्थी व विपरीत शब्द पता करने के लिए, किस लिए किया जाता है इस टूल का इस्तेमाल? समानार्थी व विपरीत शब्द, मतलब एंटोनिम सिनोनिम पता करने के लिए इस टूल का प्रयोग किया जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ठीक है ना, MS Word का। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, नई स्लाइड के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण VIMP क्वेश्चन दोस्तों ये पूछे जा रहे हैं। आपने पावर पॉइंट चलाया हो तो नई स्लाइड के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या होता है? तो कंट्रोल N, किसका यूज किया जाता है? आपको कंट्रोल N दबाएंगे तो नई स्लाइड बन जाएगी, ऑटोमेटिक शॉर्टकट होता है कीबोर्ड ये। चलिए बताएंगे, कंप्यूटर में प्रयुक्त IC चिप किससे बनी होती है? तो ये आपके दोस्तों सिलिकॉन से बनी होती है, किससे बनी होती है? सिलिकॉन। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, VIMP क्वेश्चन है अभी, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्क्रीन पर, देखिए दोस्तों, असेंबली भाषा में प्रयुक्त संकेत, असेंबली भाषा में प्रयुक्त संकेत कैसे होते हैं? तो निमोनिक कोड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? निमोनिक कोड्स, M साइलेंट है, निमोनिक कोड्स। बताएंगे दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट का नवीनतम ऑपरेटिंग सिस्टम इनमें से कौन सा है? बताएंगे दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट का नवीनतम ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 10 अभी लेटेस्ट में चल रहा है, कौन सा है? विंडोज 10 है, ठीक है ना। चलिए बताएंगे दोस्तों, वह स्थान क्या कहलाता है जिसके द्वारा डेटा कंप्यूटर में प्रवेश कर सकता है और उसे छोड़ सकता है? वह स्थान क्या कहलाता है जिसके द्वारा डेटा कंप्यूटर में प्रवेश करता है और उसे छोड़ सकता है? आपने देखा होगा आपके कंप्यूटर सिस्टम के पीछे देखिएगा, एक RJ45 टाइप के कुछ चिपक, मतलब चमकता रहता है, कुछ ब्लिंक करता रहता है, तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? पोर्ट कहते हैं, ठीक है ना। ये जैसे कि पेन ड्राइव का पोर्ट, USB पोर्ट हो, या फिर RJ45, जितने भी पोर्ट बने होते हैं वहां से क्या होता है, डेटा कंप्यूटर में जाता है और निकलता है, ठीक है ना। जैसे कि आप USB पोर्ट ले लो, या फिर आपका LAN पोर्ट ले लो, जितने भी पोर्ट लगे हुए हैं कंप्यूटर में, वहीं से डेटा जाता है और वहीं से डेटा आता है, उसको क्या कहते हैं? पोर्ट। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। बताएंगे दोस्तों, कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों से बहुत अधिक मात्रा का भंडारण कर सकता है क्या कहलाता है? तो उसको कहते हैं दोस्तों डिस्क और चुंबकीय टेप, दोनों कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों हो जाएगा, ठीक है ना। डिस्क में भी कर सकते हैं, चुंबकीय टेप में पहले किया जाता था। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, यूनिक्स की विशेषता क्या है? दोस्तों यूनिक्स सबने सुना तो होगा, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो यूनिक्स की विशेषता क्या है? देखिए ये पहला देखते हैं, हम एक साथ अनेक काम बिल्कुल कर सकता है, ये इसकी मेन खासियत होती है, एक साथ अनेक काम कर सकते हैं बिल्कुल, काफ़ी सुरक्षित होते हैं, बहुत ज़्यादा सिक्योर होते हैं, जितने भी सर्वर्स पे काम होता है ना, अगर आपको सिक्योरिटी संबंधित कुछ काम करना है तो यूनिक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम ही डालते हैं। अपन वैसे विंडोज डालते हैं क्योंकि विंडोज सिंपल होता है, हम माउस से GUI इसका बहुत अच्छा है, लेकिन यूनिक्स का GUI इतना अच्छा नहीं होता है, बहुत सारी चीज़ें इसमें हमको समझ में नहीं आती, कमांड से बहुत ज़्यादा काम होता है, ठीक है ना, और सिक्योर लेकिन होता है यूनिक्स बहुत। तो नोट करना दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, उपयुक्त सभी काम आप इससे कर सकते हैं। बताएंगे दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी एक बाइनरी संख्या है? बाइनरी संख्या कौन सी? बाइनरी संख्या वह संख्या होती है
जो जीरो और वन के फॉर्म में हो, ठीक है ना, सारे नंबर जीरो और वन में हो, ठीक है ना, उसे बाइनरी संख्या कहते हैं। तो देखिए कौन सी संख्या है यहाँ पर बाइनरी संख्या, निम्नलिखित में से कौन सी बाइनरी संख्या है, तो ए भी हो गया और सी भी हो गया, ठीक है ना, दो ऑप्शन हो जाएगा। थोड़ा सा इसमें यहाँ पर ऐसा है, मतलब जो वन और जीरो यहाँ पर हो सकता है कि टू हो यहाँ पर, ठीक है ना, बिल्कुल आपको ऐसा ऑप्शन मिलेगा जब वन जीरो के फॉर्म में हो उसे ही बाइनरी संख्या बोला जाएगा, ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कंप्यूटर के लिए ग्राफिकल इमेज और पिक्चर निम्नलिखित में से कौन डाल सकता है, बताएंगे कंप्यूटर के लिए ग्राफिकल इमेज और पिक्चर निम्नलिखित में से कौन डाल सकता है, तो ये प्लॉटर के डाली जा रही है, तो किसके द्वारा डाली जाती है, प्लॉटर, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ज़्यादा बच्चे कन्फ्यूज होते हैं, ग्राफिकल इमेज और पिक्चर प्लॉटर डाल, सॉरी प्लॉटर नहीं डालता, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, मैंने आपको कन्फ्यूज हो गया थोड़ा सा जल्दी जल्दी में। स्कैनर मैंने आपको भी बताया था, तो स्कैनर होता है वो क्या करता है कि जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं अगर आप रखेंगे तो उसको स्कैन करके कंप्यूटर पर डाल देगा, ठीक है ना, थोड़ा सा जल्दी जल्दी में हो गया, प्लॉटर नहीं होता है, स्कैनर होता है, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। स्क्रीन पर देखिए निम्नलिखित में से कौन सा पॉइंटिंग और ड्रॉ डिवाइस, बताएंगे इनमें से कौन सा पॉइंटिंग और ड्रॉ डिवाइस होता है, बिल्कुल सबको पता होना चाहिए माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है, ठीक है ना, कौन सा है, माउस, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते दोस्तों। कंप्यूटर की प्रमुख मेमोरी को क्या कहते हैं, मेन मेमोरी क्या कहा जाती है, मेन मेमोरी, देखिए इसको प्राथमिक स्टोरेज भी कहा जाता है, प्राइमरी स्टोरेज भी कहा जाता है, आंतरिक मेमोरी का, ये सभी, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रमुख मेमोरी, प्राथमिक, प्राइमरी स्टोरेज, प्राइमरी मेमोरी, सब कहा जाता है इसको। डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डिजिटल जो कंप्यूटर्स होते हैं वो किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं, तो गणना, कैलकुलेशन, ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर, ठीक है ना, गणना के सिद्धांत पर कार्य करता है। बताएंगे दोस्तों कंप्यूटर की किस मेमोरी को रैम में अक्सर प्रयोग की जाने वाली सूचना को संग्रह करने में प्रयोग किया जाता है, बताएंगे दोस्तों कंप्यूटर की कौन सी मेमोरी होती है जिसको रैम में अक्सर प्रयोग की जाने वाली सूचना को संग्रहण करने में प्रयोग किया जाता है, तो ये आपकी कैशे मेमोरी होती है दोस्तों, कैशे मेमोरी, आपने नाम सुना होगा, ऑप्शन नंबर डी राइट है। बताएंगे दोस्तों अगले क्वेश्चन का आंसर, कंप्यूटर के संदर्भ में ALU का तात्पर्य क्या है, फुल फॉर्म पूछा गया है ALU का दोस्तों, मैंने आपको बहुत बार बताया, बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट बोलते हैं, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। बताएंगे दोस्तों अगले क्वेश्चन का आंसर, जब तक रिसाइकल बीन डिस्कार्डेड आइटम्स स्टोर करता है, कब तक करता है रिसाइकल बीन डिस्कार्डेड आइटम्स, आपके खाली करने तक, ठीक है ना, आपके खाली करने पर, जब मतलब आप जब भी कुछ खाली करते हैं तब तक वो करता रहता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। जितना भी कचरा जितना भी डिलीट करेंगे वो कहाँ जाता है, पहले तो रिसाइकल बीन में जाता है, और रिसाइकल बीन से भी आप कर देंगे तो फिर वो कंप्यूटर से डिलीट हो जाता है, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक बार में एक स्टेटमेंट को कन्वर्ट और एग्जीक्यूट करना क्या कहलाता, PIMP क्वेश्चन दोस्तों, PIMP आप मतलब समझिए कि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों ये है इंटरप्रेटर, एक स्टेटमेंट को कन्वर्ट और एग्जीक्यूट करना एक बार में, ये इंटरप्रेटर का काम होता है, ठीक है ना, ये किसका काम होता है, इंटरप्रेटर, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दो या दो से अधिक प्रोग्राम के एक साथ प्रोसेसिंग की प्रक्रिया क्या कहलाती है, क्या कहलाती है, आप नाम से स्पष्ट, अगर दो या दो से अधिक प्रोग्राम को एक साथ प्रोसेस करेंगे तो उसे मल्टी प्रोसेसिंग कहा जाता है, क्या कहता है, मल्टी प्रोसेसिंग, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते। कंप्यूटर में टर्न ऑफ करने पर सेव किया गया डेटा कहां पर रहता है, देखिए अगर आप टर्न ऑफ कर देंगे तो सेव किया हुआ डेटा कहां पर रहता है, वो आपके सेकेंडरी स्टोरेज में रहता है। सेकेंडरी स्टोरेज में आपको बताया जैसे पेन ड्राइव हार्ड डिस्क की सभी सेकेंडरी स्टोरेज है, ठीक है ना, प्राइमरी स्टोरेज का तो उड़ जाता है डेटा बंद करने पे, लेकिन सेकेंडरी स्टोरेज में रहता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। बताएंगे दोस्तों अगले क्वेश्चन का आंसर, निम्नलिखित में से कौन इनपुट इकाई है, कौन सी होती है इनपुट इकाई निम्नलिखित में से, तो ये आपकी होती है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। इनमें देखिए स्कैनर भी इनपुट है, वैसे मैंने आपको बताया था अगर आप कुछ कागज रखेंगे तो कंप्यूटर में उसको ग्राफिकल मतलब उसकी एक इमेज बना देगा, कंप्यूटर में दे देगा, माउस से भी आप इनपुट देते हैं और कीबोर्ड से भी आप इनपुट देते हैं कंप्यूटर में, सभी इनपुट डिवाइस, तो ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन का बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखें दोस्तों। डेटा या स्थान घेरने के अनुसार सबसे छोटे सबसे बड़े श्रेणी में निम्नलिखित में से कौन संयोजित है, मैंने आपको अभी बताया ये रिपीटेड क्वेश्चन है वाला भी, देखिए सबसे छोटा यहाँ उल्टा पूछ लिया, सबसे पहले कौन आएगा, सबसे छोटा, तो KB से स्टार्ट करें, KB फिर MB फिर GB फिर TB, ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर डी राइट ना, सबसे आखिरी में कौन, सबसे बड़ा कौन है, TB, यहाँ पर उल्टा पूछ लिया, पहले पूछा था बड़े से छोटा छोटे से बड़ा, तो सबसे छोटा है KB फिर MB फिर GB फिर TB। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे दोस्तों स्क्रीन पर। एसेसरीज को जिस स्थान पर सिस्टम यूनिट से जोड़ते हैं उसे क्या कहते हैं, मैंने आपको अभी बताया पोर्ट कहा जाता है, जितने भी एसेसरीज होते हैं अगर आपका कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, आपका USB जैसे कि आपकी पेन ड्राइव आप जोड़ रहे हो उससे, कुछ भी जोड़ रहे हो कंप्यूटर से, ठीक है ना, तो उसको कहाँ से जोड़ते हो, आप पोर्ट के माध्यम से जोड़ते हो। बताएंगे दोस्तों किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्रायः कौन सी होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भैया पूछी जा सकता है एग्जाम में, लोगो, कौन सी भाषा होती है, लोगो। बताएंगे दोस्तों विंडोज 95 में प्रोसेसिंग के लिए राइट की जगह लिया जाता है, बताएंगे विंडोज 95 में प्रोसेसिंग के लिए राइट की जगह क्या लिया जाता है, ये वर्ड, ऑप्शन नंबर सी राइट, नाम वर्ड प्रोसेसिंग, ठीक है ना, वर्ड प्रोसेसिंग आपने नाम भी सुना होगा। चलिए बताएंगे दोस्तों निम्नलिखित में सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा है, तो देखिए सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात थोड़ी है,
तो देखिए सिस्टम सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो कंट्रोल करते हैं, आपने मैंने बताया था आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर कुछ स्पेशल सॉफ्टवेयर्स होते हैं स्पेशल कामों के लिए। तो ये कंपाइलर जो प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है इसमें, बाकी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है बाकी जो दे रखे आपको। बताएंगे दोस्तों इंटरनेट के पते में पद HTTP का सही, मैंने आपको अभी बताया है क्वेश्चन सब बताएंगे एक बार में आंसर, लेकिन हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल बोलते हैं, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, VIP क्वेश्चन है, WWW इसी प्रोटोकॉल पर काम करता है। अगला प्रश्न देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑप्टिकल मेमोरी है, ऑप्टिकल मेमोरी कौन सी है इनमें से बताएंगे फटाफट कमेंट करें। तो देखिए कौन सी है, CD-ROM, जो CD-ROM दिख रहा है आपको ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, वो एक ऑप्टिकल मेमोरी है, ठीक है ना। चलिए सूचना का राजपथ किसे कहा जाता है, बताएंगे सूचना का राजपथ किसे कहा, इंटरनेट को कहा जाता है सूचना का राजपथ, ठीक है ना, सूचना पूरी सूचना प्रौद्योगिकी इस पर ही टिकी है इंटरनेट पर, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। DVD का उदाहरण डैश, बताएंगे दोस्तों इनमें से कौन सा DVD का उदाहरण है, तो जो आपकी ऑप्टिकल डिस्क होती है, ठीक है ना, ऑप्टिकल डिस्क होता है इसका, DVD का उदाहरण में से कौन सा है, ऑप्टिकल डिस्क, आपने देखा भी होगा। चलिए बताएंगे समग्र डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करने के लिए निम्नलिखित में से प्रयुक्त होती है, समग्र डॉक्यूमेंट मतलब सौर, अगर आपको जैसे कि आपके पास 10 फाइल पड़ी है डेस्कटॉप पर, आप चाहते हो कि सभी को सिलेक्ट करना है एक बार में, तो आप कौन सा शॉर्टकट यूज़ करते हो, सबको पता होगा दोस्तों Ctrl+A, सिलेक्ट ऑल बोलते हैं इसको, ठीक है ना, सिलेक्ट ऑल, ठीक है, ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। तो इंटरनेट द्वारा निम्नलिखित में से किस मानव प्रोटोकॉल का सर्वाधिक प्रयोग कहता है, बताएंगे दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे TCP/IP इसका प्रयोग होता है, TCP/IP, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों, एक डिस्क को ट्रेको और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। देखिए डिस्क जो होती है ना उसको ट्रेको और सेक्टरों में, देखिए हार्ड डिस्क जो होती है उसके अंदर डिस्क होती है छोटी छोटी, उसको अगर ट्रेको और सेक्टरों में विभाजित करेंगे तो उसको फॉर्मेटिंग कहा जाता है, हम कहते हैं ना फॉर्मेट कर लेते हैं ट्रेको और सेक्टर में, शुरू से उसको अगर हम विभाजित करते हैं उसको फॉर्मेटिंग कहा जाता है। बताएंगे दोस्तों मॉनिटर के रिफ्रेश दर किस में मापा जाता है, जो मॉनिटर का रिफ्रेश दर होता है, रिफ्रेश रेट होती है, किस में मापी जाती है, तो हर्ट्ज में मापी जाती है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए स्क्रीन पर सेल फोनों में किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइसेस का उपयोग किया जाता है, तो सेल फोनों में आपके फ्लैश, किस प्रकार की स्टोरेज डिवाइस होती है, फ्लैश। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे अधिकांश पर्सनल कंप्यूटर या फिर PC या फिर लैपटॉप बोलो, इनमें से कौन सी की नहीं होती है, कौन सी की नहीं होती है, टर्न ओवर की नहीं होती है, ठीक है ना, बाकी शिफ्ट अल्टर डिलीट, ये तीनों की तो आपने देखी होगी, टर्न ओवर की कोई की नहीं होती है, आप शिफ्ट भी देख सकते हैं आपके कीबोर्ड में, अल्टर भी देख सकते हैं और डिलीट भी देख सकते हैं, लेकिन टर्न ओवर की सुना है कभी नहीं सुना है, ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। DDS में टूल है, बताएंगे दोस्तों DDS के टूल है कौन कौन से, तो ये कोलोक्सी ग्राफिक्स भी होता है, सॉफ्टवेयर भी होता है, स्पेशल एडिटर भी होता है, एक स्पेशल टूल होता है, उसके टूल कौन से DDS सॉफ्टवेयर के, तो ये तीनों ही होते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, उपरोक्त सभी हो जाएगा। बताएंगे दोस्तों किस संचार के प्रकार में डेटा का संचरण एक समय में दोनों दिशाओं में संभव होता है, मैंने आपको बताया था जो फुल डुप्लेक्स मतलब पूर्ण डुप्लेक्स, उसमें क्या होता है कि एक समय में डेटा एक ही लाइन पर दोनों तरफ जा सकता है, इसके एक उदाहरण बताता हूँ मैं, सिंप्लेक्स होता है, एक होता है हाफ डुप्लेक्स और एक होता है फुल डुप्लेक्स, तो जिस में डेटा संचरण एक समय में दोनों दिशाओं में होता है उसे क्या कहते हैं, फुल डुप्लेक्स कहते हैं, ठीक है ना। सिंप्लेक्स क्या होता है, तो सिंप्लेक्स होता है जैसे आपका रेडियो है ना, वो सिंप्लेक्स है, क्योंकि बस आपको आवाज़ आती है लेकिन आप जो बोल रहा है उसको बोल सकते हो क्या, कुछ भेज सकते हो क्या आवाज़ रेडियो के थ्रू, तो उसे सिंप्लेक्स मतलब एक ही दिशा में डेटा भेजा जाता है सिंप्लेक्स में। बात की जाए हाफ डुप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स में क्या होता है कि एक रोड है साफ, लेकिन एक बार में इतना पतला रोड है कि बस या तो एक बार में ये वाली बस निकल गई तो फिर ठीक है निकल गई ना, तो फिर ये वाली बस नहीं निकलेगी, जब फिर अगर निकालना है तो आप इधर से जाना चाहते हैं तो ये जब तक ये वाली मतलब एक बार में एक ही दिशा में जा पाएंगे, ठीक है ना, उसे क्या कहते हैं हाफ, जैसे वॉकी टाकी होता है जो अपना वो हाफ डुप्लेक्स पे होता है, मतलब ओवर बोलते हैं बोलने के बाद तो फिर वो वाला उधर वाला कुछ भेजता है तो वो अपने को मिलता है, लेकिन जो फुल डुप्लेक्स होता है उसमें क्या होता है इंटरनेट जैसे कि अपनी ये चलती है, हम डेटा भेज भी रहे हैं साइमल्टेनियसली और डेटा आ भी रहा है हमारे पास, उसे क्या कहते हैं फुल डुप्लेक्स। चलिए अगला प्रश्न बताएंगे दोस्तों, एक एड्रेस में होता है तो क्या होता है, एक ऑफसेट भी होता है, एक आधार रजिस्टर भी होता है, एक सूचना रजिस्टर, तीनों होते हैं, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, IMAC एक प्रकार का है, क्या बोलते हैं, एक मशीन है, IMAC आपने सुना होगा एक मशीन है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे दोस्तों, कंप्यूटर में इंटरनेट पर आपके कंप्यूटर में फाइल अंतरण करने वाली प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, देखिए आप बिल्कुल कन्फ्यूज नहीं होना, आप डेली करते हैं काम, जब भी क्या करते हैं कि आप फॉर एग्जांपल मोबाइल चला रहे हैं, मोबाइल भी एक कंप्यूटर ही है, इंटरनेट से जुड़े हुए हैं, मैंने कुछ आपको कोई PDF कहीं पर दिया आपको, तो आप क्या करते हैं कोई वेबसाइट पे गए कुछ डाउनलोड करना, तो आप PDF जैसे ही टच करते हैं उसको क्या कहते हैं डाउनलोड, ऑप्शन नंबर राइट आंसर, डाउनलोड कहा जाता है इस प्रक्रिया को। आप मतलब सर्वर पे कोई सी चीज़ को अपने कंप्यूटर में जब सेव करते हैं, अभी आपने मोबाइल में सेव करते हैं उसको क्या कहा जाता है डाउनलोड। SMPS का पूर्ण रूप, ये मैंने आपको बताया, रिपीटेड क्वेश्चन है,
स्विच मोड बिजली की आपूर्ति, हिंदी में बताया गया है ठीक है ना, स्विच मोड बिजली की आपूर्ति ये बता दिया गया था शुरू में क्वेश्चन। कंप्यूटर के लिए आईसी चिप्स प्राय किस पदार्थ की बनी, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, सिलिकॉन हो गया। निम्नलिखित में से कौन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, बताएंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक प्रोग्राम लैंग्वेज नहीं है, कौन कौन सी है भाई, पर्ल है, जावा है, फॉक्स प्रो है, ओरेकल नहीं है, ओरेकल डेटाबेस है, क्या है, डेटाबेस। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, कूड़ांतरक एक प्रोग्राम है, वह निम्नलिखित में से किसके प्रोग्राम का रूपांतरण, बताएंगे। तो देखिए ये होता है दोस्तों कोडांतरण के मशीन, कोडांतरण से मशीन तक ठीक है ना, ये कोडांतरण मतलब उसको कोड को पूरा एक प्रोग्रामिंग को कंपाइल करना होता है। चलिए डेस्कटॉप पर डाला गया डेटा सामान्य तक किस ड्राइव में सेव होता है, अगर आप डेस्कटॉप पे कोई डेटा रखते हैं ना तो हमेशा सी ड्राइव में होता है, क्योंकि जो डेस्कटॉप दिख रहा है वो सी ड्राइव ही रहता है एक प्रकार का, ठीक है ना। चलिए बताएंगे निम्नलिखित में से कौन सा एक संगणक या कंप्यूटर मुख्य निकाय है, कौन सा इनमें से संगणक या कंप्यूटर का मुख्य निकाय है, तो ये आपका मदरबोर्ड, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की मेमोरी का अवाष्पशील होती है, कौन सी कंप्यूटर की मेमोरी अवाष्पशील होती है, कौन सी होती है, तो ये होती है दोस्तों आपकी रोम, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, रोम, आर ओ एम। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते, कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर पेज मेकर किस ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित रखता है, तो ये आपका रखता है दोस्तों विंडोज, किस रखता है, विंडोज, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते दोस्तों, स्क्रीन पर देखिएगा, कंप्यूटर एक ऐसा उपकरण है जो सिर्फ गणना नहीं बल्कि डैश सूचना को संदर्भित करने वाला साधन भी है, तो किस प्रकार की सूचनाओं को, देखिए गणितीय और अगणितीय दोनों प्रकार की सूचनाओं को संधारित करने वाला साधन भी है, एक उपकरण ही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, स्क्रीन पर डैश समग्र डॉक्यूमेंट को वर्ड स्क्रीन पर छोटे आकार में डिस्प्ले करता है, कौन करता है, देखिए अगर आपको आपने कोई फाइल बनाई है एमएस वर्ड में और आप उसका देखना चाहते हैं कि किस प्रकार का प्रिंट आएगा, तो आप प्रिंट प्रीव्यू करते हैं, ठीक है ना, तो वर्ड स्क्रीन पर छोटे आकार में डिस्प्ले कौन कर देता है, आपको प्रिंट प्रीव्यू कर देता है। पता है दोस्तों एक सीआरटी में जिस रेट पर स्कैनिंग को दोहराया जाता है उसे क्या कहते हैं, रिफ्रेश रेट, अभी बताया घुमाकर क्वेश्चन पूछ लिया गया, इसको क्या कहते हैं, रिफ्रेश रेट कहा जाता है। बताएंगे दोस्तों पीसी का पूरा नाम क्या है, सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, पीसी का होता है पर्सनल कंप्यूटर, करते हैं ना लोग, मेरा पीसी खराब हो गया, मेरे पर्सनल कंप्यूटर होता है उसका वो। बताएंगे दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, उबंटू, लिनक्स या यूनिक्स, बताएंगे दोस्तों उबंटू, लिनक्स और यूनिक्स, देखिए तीनों ही है, ठीक है ना, तीनों ही, केवल एक, केवल दो, तीन, केवल दो और तीन, कोई विकल्प सही नहीं है। तो देखिए दो और दो तथा तीन सभी, मतलब एक दो तीन तीनों ही है, यहाँ पर आप एक भी लिख सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी राइट ना, देखिए उबंटू भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, लिनक्स भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और आपका यूनिक्स भी होता है, ठीक है ना, उबंटू एक लिनक्स का ही एक वो होता है उबंटू। चलिए तो ये इस क्वेश्चन का एक दो तीन तीनों ही यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो का टारगेट है लाइक ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा, और आपको जिस भी टॉपिक के चाहिए और मैं सभी टॉपिक के बनाऊंगा, अभी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, स्पोर्ट्स, इकोनॉमी और साथ साथ आपके करंट अफेयर्स के भी और कोई वीडियो बना दूंगा, सभी टॉपिक के बनाऊंगा इस तरह के महामंथन के, ठीक है ना। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, और शेयर का टारगेट भी हमने रखा है 5,000 शेयर का, लाइक कर 10,000 का, और जो नए बच्चे हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना, क्लास के टाइमिंग आपको पता है डेली दोपहर में 12:30 बजे अपलोडेड वीडियो आता है इंपॉर्टेंट, जो आज आया, शाम को 7 बजे और रात को 10 बजे, ठीक है ना। चलिए तो वीडियो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।